वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 20 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाटेनियन ग्रुप। हमने पिछले लेक्चर में केल्विन 4 ग्रुप किया था, के 4 ग्रुप, उसी तरह से है ये कुछ Q8, पर इसमें जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले हम सेट लिखते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे। तो नाम से क्लियर है कि Q8 इसका नोटेशन दी गई है, तो इसमें 8 एलिमेंट होंगे हमारे पास। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये सिंबल हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे हमारे पास इसके पास ये एलिमेंट्स होंगे, वन माइनस वन आई माइनस आई जे माइनस जे के एंड माइनस के, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वन पॉजिटिव नेगेटिव आटा पॉजिटिव नेगेटिव जे एंड पॉजिटिव नेगेटिव के। तो जो ये ग्रुप है हमारे पास, अब इसके हम ऑपरेशन लिखते हैं कि ऑपरेशन इसके कैसे ऑपरेशन होंगे। सबसे पहले कि जब हम वन को किसी भी एलिमेंट का अगर हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस वन। इस एलिमेंट का जब स्केयर करेंगे तब भी वन। आयोटा का जब हम स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर माइनस वन होगा। उसी तरह से जब हम जे का स्केयर करेंगे, मतलब कि जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास माइनस वन मिलेगा। उसी तरह से के को जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस वन मिलेगा। तो ये थे एलिमेंट के जो ऑपरेशन हमने किए थे कि जब उनको अपने साथ ही जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अगले जो ऑपरेशन है वो इस तरह से हैं कि जब हम आयोटा को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें के मिलता है। आयोटा को जब भी हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें के मिलेगा। उसके बाद जे को जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आयोटा मिलेगा, और के को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जे मिलने वाला है। उसके बाद अब रिवर्स होगा कि जे को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के मिलेगा, के को अब हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस आयोटा मिलेगा, जब हम आयोटा को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे मिलेगा। तो इस तरह से हम इसके ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए ये आयोटा है हमारे पास, ये हमारे पास जे है और ये हमारे पास के है। जब हम आयोटा को जे पे अप्लाई करेंगे तो हमें के मिलेगा, जे को अगर हम के से अप्लाई करेंगे तो हमें आयोटा मिलेगा, आयोटा को जब हम जे से अप्लाई करेंगे तो के मिलेगा, ठीक है। अब जब हम उल्टा अप्लाई करेंगे, जे को अगर हम रिवर्स में जा रहे हैं, दैट इज़ हम एंटी क्लॉक में जा रहे हैं, जे को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस के मिलेगा, आयोटा को जब हम के तो हमें माइनस जे मिलेगा, के को जब हम जे से अप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा। तो जो ये हैं हमारे पास वो कुछ रिवर्स एलिमेंट के ऑपरेशन दिए हुए हैं। उसके अलावा अब देखिए, आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को जब मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसे होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने, तो माइनस वन ऐसे ही रह जाएगा। ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, तो उसका मतलब आयोटा का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, माइनस आयोटा। जो जे एलिमेंट है उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस जे, और के एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, माइनस के। तो इन ऑपरेशन के अंडर जब हम डिफाइन करते हैं ये ऑपरेशन के अंडर, तो ये क्यू एट है वो हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर वन का इन्वर्स क्या होगा, वन, और माइनस वन का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, माइनस वन, ये सेल्फ इन्वर्स होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक जनरल डिफाइन किया कि अगर कोई भी एक ऐसा सेट है जिसमें एट एलिमेंट्स हैं, अगर वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं जो ये ऑपरेशन हमने डिफाइन की हैं, तो वो ग्रुप हम कहेंगे कि वो एक क्वाटेनियन ग्रुप है। एग्जांपल के लिए
मैं एक्सैक्ट लेता हूँ जी, और उसमें हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1 -1 0 0 -1, उसके बाद आयोटा 0 0 -आयोटा, -आयोटा 0 0 आयोटा, उसके बाद 0 1 -1 0, 0 -1 1 0, 0 आयोटा, आयोटा 0, 0 -आयोटा, -आयोटा 0। तो ये देखिए, ये हमने क्या लिया, एक ग्रुप लिया, सेट लिया, जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, और जो ये हमारे पास आयोटा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जिसका स्केयर करने के बाद हमारे पास -1 होगा। तो देखिए, जो यहाँ पर 1 है हमारा, ठीक है, वो ये मैट्रिक्स का काम करेगा। जो ये मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 1 का काम कर रही है। जो ये -1 है हमारे पास, वो इसका काम करते हैं। जो हमारे पास आयोटा है वो इस मैट्रिक्स का काम कर रही है। जो -आयोटा है हमारे पास, वो -आयोटा 0 0 -आयोटा इसका काम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास जे है वो इस मैट्रिक्स का काम कर रहा है। जो -j है हमारा वो 0 -1 1 0 का काम कर रहा है। और जो k है वो हमारा 0 आयोटा आयोटा 0 का काम कर रहा है। और जो -k है वो हमारा 0 -आयोटा -आयोटा 0 का काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मैट्रिक्स का स्केयर करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1, कभी 1 मिलेगा। और जो आयोटा है हमारे पास, जो के है, जे है, ये आयोटा, ये जे और ये के, जब इनका मैट्रिक्स जो हमने ये लिखी है, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। देखिए, इस मैट्रिक्स का अगर स्केयर करेंगे तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, इसी तरह से जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने लिखी है, ठीक है, तो हमें वही मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने देखा कि आप ऑपरेशन जो है खुद अप्लाई कर कर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। कुछ कैलकुलेशन जैसे मैं आपको कर कर बता देता हूँ कि कैसे काम कर रही हैं वो, सभी तो करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, कुछ कर लेते हैं। जैसे कि जे है हमारे, आयोटा ही है, आयोटा है हमारे पास, आयोटा 0 0 एंड -आयोटा। जब मैं इसका स्केयर करूँगा, मतलब 1 आयोटा 0 0 -आयोटा, आयोटा 0 0 -आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का स्केयर -1, 0 0 -1 प्लस आयोटा का स्केयर फिर से -1। तो ये कौन सा एलिमेंट बन गया हमारा, ये मैट्रिक्स बन के देखिए, बिल्कुल ये वाली है जो हमने ये ली थी, बिल्कुल यही मैट्रिक्स बन रही है, -1 सिंबल था जो हमारा, ठीक है। अब जैसे हमारा जे है, जे का अगर हम स्केयर करेंगे तो हमें 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें क्या मिलेगा, -1 0 0 -1 मिल रहा है। इस तरह से के का स्केयर करेंगे तो हमें -1 0 -1 मिल रहा है। ओके, अब हम जब आयोटा इंटू जे निकालेंगे, डैट इज आयोटा 0 0 -आयोटा, और जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 1 -1 0, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो के मिलेगा, डैट इज हमें 0 आयोटा आयोटा 0 मिल रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आयोटा यही मिल रहा है हमें, वो क्या है हमारे पास, के। तो इस तरह से कोई भी अगर सेट है, अगर हम उसको इस तरह से नेमिंग कर लें कि ये हमारा जो है जर्नल 1 की तरह काम कर रहा है, ये -1 या आयोटा, -आयोटा जे, -जे के, -के, इस तरह के वो काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक सेट होगा तो उसमें जो ऑपरेशन बनेगा वो उसके अंदर वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स
कोटेनियन ग्रुप की एग्जांपल बन जाएगी क्यू बिट के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक हमने जो नॉन अबेलियन ग्रुप किए हैं वो सभी के सभी इन्फानाइट ग्रुप हैं। ये हमारा एक फर्स्ट ऐसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, आयोटा को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के आता है, बट हम जे को आयोटा से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो कुछ माइनस के आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रुप जो हमने किया है वो अबेलियन ग्रुप नहीं है। इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव, इट्स नॉट अ कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अभी तक का ये हमारा सबसे पहला फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। डेट इज इसमें एक 8 एलिमेंट है एक फाइनाइट ऑर्डर का। अगर वो कहते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट अबेलियन, तो हम क्यों हुए लिख सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट भी है और ये अबेलियन भी नहीं है। तो ये बहुत ही जो K4 है और Q8 है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारी ग्रेजुएशन के लिए पर्पस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जितने भी हमारे आगे जब भी हम IIT CS या NET या GATE की प्रेपरेशन करेंगे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, तो अभी हमारे लेक्चर 20 में हमने Q8 ग्रुप किया है। तो दो तरह के ग्रुप की एग्जाम्पल हैं वो हमें हमारे पास पड़ी हैं। एक होती है कि पावर सेट वाली एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप होता है जैसे कि SN ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप है, डाइहाइड्रल ग्रुप हैं, एक फंक्शंस के ग्रुप बनती हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ये चार ग्रुप हमारे हैं। तो अगले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।